और अब बात मध्य प्रदेश की। यहां सरकार का एक फैसला विवाद का कारण बन गया। दरअसल शिवराज सरकार ने एमबीबीएस के छात्रों को डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी को फाउंडेशन कोर्स में पढ़ाने का फैसला लिया। कांग्रेस अब ये आरोप लगा रही है कि सरकार इस फैसले के जरिए एमबीबीएस के छात्रों पर आरएसएस की विचारधारा थोपने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि सरकार की कोशिश उन लोगों के बारे में प्रचार प्रसार करना है जिन्होंने समाज में अच्छा काम किया। लेकिन सवाल ये है, क्या समाज के लिए अच्छा काम केवल इन्हीं दो लोगों ने किया? और अगर पढ़ाना ही है तो आजादी के सारे नायकों के बारे में पढ़ाना चाहिए। और फिर बात एजुकेशन के उस लेवल की भी है, उस कोर्स की भी है जिस स्तर पर यह पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एमबीबीएस स्टूडेंट्स मेडिकल के जनरल पढ़ने के साथ साथ आरएसएस संस्थापक हेडगेवार और बीजेपी के संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय को भी समझेंगे। ये फरमान मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है। ये पढ़ाई इसी सेशन से शुरू भी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस फैसले पर जोरदार दलील दी है। समझाया कि ये डॉक्टर्स को एथिक्स का बोध कराएगा। डॉक्टर्स में वैल्यूज तो होने चाहिए। एनएमसी ने जो फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर का है उसमें एथिकल वैल्यू का भी पाठ्यक्रम जोड़ने का निर्देश दिया है। और हमारा मानना है कि हम यदि अच्छे और सच्चे डॉक्टर्स का निर्माण करना चाहते तो निश्चित रूप से उनका जीवन मूल्य आधारित हो। हमारा मानना है कि वो महापुरुष जिन्होंने एथिकल वैल्यू को ही सर्वोपरि रखते हुए अपने जीवन को जिया, जिन्होंने इस देश की संस्कृति, हमारा विचार, हमारी पुरातन परंपराओं को तो सहेजा ही और जीवन जीने के क्या कुछ उद्देश्य है इसको समाज को बताने का काम किया, उनको हम पाठ्यक्रम में जोड़ें। फैसला होते ही कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बीजेपी पर हमला करते हुए आरएसएस की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। कमलनाथ ने ट्वीट में लिखा, भाजपा शुरू से ही अपनी विचारधारा और अपने खास एजेंडे को लोगों पर थोपने का काम करती रही है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या कोई अन्य क्षेत्र। अब मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के छात्रों को जनसंघ और आरएसएस के संस्थापकों के विचार पढ़ाए जाएंगे। कांग्रेस ने सवाल पूछा, मेडिकल छात्रों को हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय की शिक्षा देना क्यों जरूरी है? तो बीजेपी का जवाब था, महापुरुषों को महिमा मंडित करने की बात जब भी होती है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। समझ से परे है कि चिकित्सा के क्षेत्र में हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जी का योगदान क्या है। पहले ही व्यापम में आगामी 40 सालों तक चिकित्सा शिक्षा को बदनाम कर मध्य प्रदेश की सरकार ने कीर्तिमान बनाया है। किस तरह के डॉक्टर अगले 40-50 सालों तक इंसानों का इलाज करेंगे, उसके क्या घातक परिणाम होंगे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, आश्चर्य है कि कांग्रेस किस बात को कर रही है। यदि मैं भीमराव अंबेडकर को पढ़ाने की बात कर रहा हूं तो गलती कर रहा हूं। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है यदि भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ाया जा रहा है, हेडगेवार जी को पढ़ाया जा रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। वो क्या चाहते हैं कि केवल उन्हीं का इतिहास पढ़ाया जाए? आजादी की लड़ाई की कई चेहरों को भुलाने के आरोप पर कांग्रेस और बीजेपी की तू-तू मैं पुरानी है। लेकिन यहाँ सवाल ये है, जो शिक्षा स्कूल में दी जानी चाहिए वो तकनीकी शिक्षा या मेडिकल की पढ़ाई के दौरान क्यों दी जा रही है? टाइम्स नाउ नवभारत के लिए भोपाल से गोविंद प्रताप गुजर की रिपोर्ट।